तो चैप्टर टू की जो शुरुआत हो गई है वो बहुत ही अनोखे तरीके से शुरू हुई है। छोटे कोतवाल के तौर पे मैं अपना जो अली बाबा का जो पहचान है उसको छुपाते हुए अली छोटे कोतवाल के रूप में अपने परवाज़ वापस आया हूँ, और काफ़ी अनदेखा अंदाज है, काफ़ी अलग अंदाज़ है। मैं अपने बच्चों से अभी रूबरू नहीं हो रहा, मैं उनसे अभी मिल नहीं रहा, उनको पता नहीं है कि मैं उनका बाबा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं उनको भी नहीं पता। तो मैं इस बात का फ़ायदा उठा के कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें बिगड़ी हैं उनको बना सकूँ। और अभी हम धीमे 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 साजिशों को क्या कहते हैं उसे सुलझा के आगे बढ़ रहे हैं अपनी एक क्वेस्ट की तरफ, और बहुत जल्द अपनी मर्जीना तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब फ्रॉम ए टू जेड, कास्ट, क्रू, और मतलब जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब ड्रेस डिपार्टमेंट, हेयर डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ पे एक चीज़ अभी तक जो नोटिस की है कि एक एक बंदा यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है। जो हमारी कास्ट के लोग हैं, हम लोग मतलब सेट पे ही रहते हैं, हम वी आर रिहर्सिंग ऑन सेट्स। ऐसा नहीं होता कि यू नो देयर इज़ नो, हम ऐसा नहीं कि हमें ब्रेक चाहिए, ये चाहिए, हम आराम से खुशी खुशी बस पूरे मतलब लगन के साथ यहाँ पर सब काम कर रहे हैं। तो कास्ट का तो होता है ना कि उनका काम दिखता है, वो काम करते भी हैं और वो काम कर रहे हैं, पर जो यहाँ पे यूनिट है उनका भी जितना सहयोग है, उनकी तरफ से भी जो मेहनत की जा रही है, वो बहुत ही, मैं कहूँगा आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड विद दैट एंड आई एम वेरी मच मोटिवेटेड विद दैट। बहुत कुछ, मतलब बहुत आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं अपने शो में, बिकॉज़ अभी जो है अली बाबा छोटे कोतवाल के रूप में यतीम खाने पहुँच चुके हैं अपने बच्चों के पास, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो सिमसिम है, सिम्मी जान बनकर उन पर खतरे की तरह मंडरा रही थी। तो अब एक मिस्ट्री सॉल्व होगी जहाँ पर वो सिम्मी जान का अपना यू नो पर्दाफाश करेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे और कोशिश करेंगे कि मर्जीना तक सिम्मी जान के थ्रू पहुँच सकें।